स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया ट्रेवल बाय साइकिल के 291 दिन में। और मैं अभी हूँ गुंडलपेट में, और गुंडलपेट से मैं कट के केरला की ओर जाऊँगा। और इस बीच बहुत ही घना जंगल है जहाँ पर साइकिल अलाउड नहीं है। तो आज मेरा काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा, अगर साइकिल से भी जाने दे दिया तो उस रास्ते में बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि हाथी वगैरह पूरा रोड पर आ जाता है, टाइगर वगैरह भी है। जैन सभी दोस्तों को, मैं आरजे माथो जामताड़ा झारखंड से, और इसी बीच में मिला मार्टिन सर से। नाइस टू मीट यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप से मुलाकात हुई है। सो मैं ये राइड स्टार्ट किया था 12 मार्च 2023 को, दिस इज माई सोशल मीडिया आई आरजे माथो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। एंड सर, आई नीड योर हेल्प एंड यू से समथिंग अबाउट मी, अबाउट माई ट्रेवल इन तमिल लैंग्वेज, बिकॉज आई एम गोइंग टू तमिलनाडु। सो their people are support me, so definitely I'll make this as a personal goal. You'll definitely get some, because I think that place Tamil Nadu is my language problem, very big problem. So if you say about definitely 1 night stay, all the very best. Okay, thank you. All the best. Thank you. Okay. Very अच्छा लगा सर. Nice to meet you, sir. Sure. Thank you. I'll give a collab request. Yes. On Instagram. Oh yes. Whenever you see, I'll accept it. Okay. That means I'll say. Okay. Bye. Yes, sir. Welcome, sir. हाँ. मैं ऑल इंडिया ट्रेवल कर रहा हूँ. ऑल इंडिया. हाँ sir. कब जा रहे हो? मैं सर केरला जा रहा हूँ. केरला. हाँ. कब निकले? मैं 12 मार्च को निकला था. कल्चर्स को सीख रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छा लगता है। आप कहाँ से हैं सर? मैं तो कलकत्ता का हूँ। कलकत्ता से हैं आप? वर्धमान, आपका वेस्ट बंगाल का है, उसके बगल का हूँ। तो बंगला थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ मैं भी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर? हम लोग अभी ऊटी में जा रहे हैं। अच्छा, ऊटी। मैं तो यहीं से कट जाऊँगा, इधर से केरला जाऊँगा। थैंक यू। हम एलिन मंदिर का सर नहीं समझता है, नहीं समझता है सर आपका। मैं झारखंड से हूँ, पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये सामने बोर्ड में देख पा रहे होंगे, ओटी 68 किलोमीटर है और सीधा, और मुझे राइट जाना है। ओटी के रास्ते में भी जा सकता हूँ, पर तो इधर से तमिलनाडु इंटर कर जाऊँगा, लेकिन मुझे पहले इंटर करना है केरला, उसके बाद तमिलनाडु। इस वजह से मैं पहले केरला जाऊँगा। और ये है वो रास्ता जहाँ पर कटता है केरल के लिए। तो ये स्ट्रेट जाएगा सीधा केरल। चलिए देखते हैं फॉरेस्ट वाले क्या कहते हैं, जाने देते हैं। सबसे पहले मुझे लगी ये भूख, तो मैं कुछ खाऊंगा फिर यहाँ से चलूँगा। सामने एक ठेला मिला, क्योंकि मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं, वेट कर रहा था कब खुलेगा। कितनापुर में फॉरेस्ट मिलता ये 8-10 किलोमीटर। 8-10 किलोमीटर बाद फॉरेस्ट कितना लंबा है? फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा है, 15-20 किलोमीटर है, तो वो पार कर लूँगा 2 घंटे। इधर क्या भी नहीं, आपको बस से ला रही, आप जाएगा तो हाँ यूट्यूब पे डालने के लिए, यूट्यूब चैनल आरजे महतो। ओके, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा। रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं रास्ते में। मैं विदाउट मनी ट्रेवल कर रहा हूँ, लोगों के मदद से खाना पीना होता है मेरा, लोग ही खिलाते पिलाते हैं। रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं। ओके भाई। तो यहाँ पर मुझे एक चेक पोस्ट मिला छोटा सा, ये मैं चेक पोस्ट को क्रॉस कर रहा हूँ। सो अभी जस्ट यहाँ पर चेक पोस्ट में रुका हुआ था, साइकिल पार होने नहीं दे रहा था। सो एक भाई साहब मिले, सर आपका नाम? राजीव सर से लिफ्ट लेके मेरे साइकिल पीछे है, पीछे बांध दिया है। और ये पूरा हाथी वगैरह रहता है ना जंगल में? हाँ, जंगल में आती है। हाँ, वो लग गया ना। हाँ, वो
मैं देखूंगा, मुझे भी देखना था बट अभी पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन जंगल का रास्ता स्टार्ट हो गया है, देख सकते हो पूरा जंगल जंगल। तो थैंक यू बोलना चाहूंगा राजीव भाई कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। ये देख सकते हैं जंगल में, ये पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल, पीछे हिरन भी देखा था लेकिन ड्राइवर वाले भाई साहब ने कहा कि आगे भी मिलेगा, तो आगे जाने के लिए जैसे ही चला तो यहाँ देख सकते हैं इस गाड़ी का साइलेंसर ही निकल गया है और नीचे सट गया, देख रहे हैं अभी हमारे ड्राइवर भाई साहब लगे हुए हैं। ये देख सकते हो हाथी भाई मुझे फाइनली दिख ही गया, ये सामने देख सकते हो ये इधर है और आगे भी दो चार है, तो मैं यहाँ गाड़ी में बैठ बैठ के ले रहा हूँ। ये रास्ते के किनारे आ जाते हैं, यहाँ सामने पानी वगैरह है तो वह पानी पीने के लिए आते हैं, देख सकते हैं ये कान हिला रहा है, ये देख सकते हैं ये तो ऐसा है भाई, सामने में हाथी वगैरह आ जाता है, साइड में बहुत हवा भाई, अंदर में बहुत सारा है, बहुत सारा है। तो कितने सारे हिरन हैं, सब भागने लगे, देखो 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 सब भागे, देख रहे हो बहुत सारे, बहुत पानी भी है सामने में, तो पानी पीने आता है, घास चरता है इधर। सो यहाँ से जंगल सफारी स्टार्ट होता है, ये सब जो है टिकट काउंटर है और यहाँ पर टिकट उकट लेके अपना बस में लेके जाता है इधर, ये सब बस, ये पुलिस वाले अपने बस में लेके जाते हैं फॉरेस्ट वाले, और पूरा जंगल सफारी पूरा जंगल में घुमाते हैं। सो यहाँ पर भीड़ देख सकते हो, पूरा गाड़ी लगी हुई है, ये सब सारे गाड़ी वाले घूमने जाते हैं। बट ये केरला का रोड है, मैं केरला में एंटर कर चुका हूँ और कितना बेहतरीन जंगल का रास्ता है। तो मेरे हाथ में ये जो फ्रूट देख रहे हैं, ये देख सकते हो नीचे बहुत सारा है, ये रूबिका बोल के है, ये पेड़ पे बहुत सारा लगे हुए साहब हैं, उन्होंने ही खाना वाना खिलाया तो खाना खा लिया और इसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। हल्का कच्चा है। तो भाई मैं केरल इंटर कर चुका हूँ और साइकिलिंग भी स्टार्ट कर दी है, और यहाँ का शहर देख सकते हो, तो ये शॉप देख सकते हैं श्री कृष्णा रेडियो कंपनी आहूजा का है ये, मतलब इस शॉप को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी जगह पर मुझे आज स्टैंड करना है, इस जगह पर, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और इस साइड पहाड़ी पहाड़ है और अभी भी धूप है, लगभग 5 बज गया तो फिर भी देख रहे हो धूप। यहाँ पर जो है मैं टेंट लगाने के लिए बात कर चुका हूँ, ये शॉप बंद हो जाएगा लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा खाली है, इधर बाथरूम वगैरह वॉशरूम वगैरह भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, मॉर्निंग को आराम से फ्रेश होके नहा धो के सब कुछ कर सकता हूँ। भाई लोगों से बात किया, लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था बट फिर मैंने मलयालम वो ट्रांसलेट निकाला हिंदी में बोल के, फिर मलयालम में उसको ट्रांसलेट किया और फिर जाके सारा चीज़ मैनेज हो गया। तो ठीक ही है यार, जंगल पार करके आया, काफ़ी दिक्कत हुई इधर और ये शहर ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई, जब से मैं एंटर किया तब से शहर जाते रह रहा है। आज का स्टे का हो गया है और आज मैं रात को पूरा चेक कर लूँगा कि किधर से होते हुए क्या क्या मुझे जाना है। केरल में काफ़ी ऐसे ऐसे जगह हैं जो मैं घूम सकता हूँ और आप लोगों को घुमा सकता हूँ, बहुत ही बेहतरीन जगह है केरल, वैसे भी बहुत अच्छा जगह है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और बाकी जो कुछ होगा वो आप लोग को आगे देखने को मिल जाएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है यार। आज मेरा 291 दिन हो गया, लगभग 10 महीना होने वाला है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें इस जर्नी को और भी अच्छा से करने में, थोड़ा सा मदद करें हमें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को शेयर करें तो मुझे बहुत खुशी होगी और बहुत अच्छी तरह से इसको मैं कम्प्लीट कर सकूँगा क्योंकि आगे मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है। सो ठीक है, चलिए मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें, मिलते हैं, जय हिंद।